Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, do you know about the narration? What is the narration? Narration, there are two kinds of narrations. First is the direct speech and second is the indirect speech. Okay friends, so today I will teach about the narration. Let's start the class of the day. फ्रेंड्स, आपने नरेशन के बारे में सुना होगा. नरेशन क्या होता है? नरेशन का हिंदी होता है कथन. और नरेशन के दो भाग होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. एक जैसे हम किसी से हम बात कर रहे होते कि राहुल ने मुझसे कहा कि वो कल मुंबई जाएगा. मैं किसी से, किसी और थर्ड पर्सन से कह रहा हूँ कि राहुल ने मुझसे कहा कि मैं कल मुंबई जाऊँगा. ये हो गया डायरेक्ट स्पीच. अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ कि राहुल ने मुझसे कहा कि वो कल मुंबई जाएगा, राहुल ने मुझसे कहा कि वो कल मुंबई जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच. तो हम विस्तार से सीखेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं वो इंग्लिश वीडियो. अंजलि, अंजलि. यस भैया, व्हाट हैपेंड? वेयर इज सुरेखा? दीदी इज इन द किचन. व्हाट इज शी डूइंग? शी इज कुकिंग. ओके, कॉल हर. Yes. What is there in breakfast? I haven't decided yet. What would you like to take? I don't know. You suggest only. Would you like to paratha and curd? No. I don't want to take parathas and curd. But you like aloo parathas. Yes, I do like. But my gym trainer asked me to avoid the parathas. Then what do you want? I don't want to take anything heavy and oily in the morning. Would you take sandwich? Sandwich? Yesterday also I had sandwiches only. Then better I prepare poha. It will be light also. Yes, yes. I like it. Do fast. And I am going to be ready, okay? Okay, I am going to prepare. Okay. Do fast, Meg. Okay. Go na, what are you looking at me? Viraj! Viraj! What are you doing? What are you doing? I was studying. Okay, good. Take it. Keep there. That's why I keep on telling you that drink milk every day. Friends, ये कन्वर्सेशनल वीडियो हम आपके लिए खासकर बनाते हैं ताकि आपको इंग्लिश क्लास के साथ साथ आपको इंग्लिश में कुछ वार्तालाप सुनने को भी मिले. कुछ कन्वर्सेशन कम्युनिकेशंस कुछ इंग्लिश में आपको सुनने के लिए मिले कन्वर्सेशन, ताकि आपको सुनकर भी कुछ सीखने को मिले. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं. ओके, दिस इज द नरेशन. मैंने कुछ यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. And एक sentence लिखा हुआ मैंने, this is the direct speech. Ram says, I am ready. अब इसमें कुछ समझने वाली बातें हैं friends, समझना जरूरी है. यहाँ पर मैंने मुझे लिखा है, इसके बारे में बाद में अभी चर्चा करूँगा. सबसे पहले जो direct speech में क्या क्या कौन से parts होते हैं, direct speech के sentences में ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये मैं बता दूँ आपको. ठीक है friends? तो this is the reporter. ये जो राम है, राम इज द रिपोर्टर. ठीक है, और सेज, सेज इज द रिपोर्टिंग वर्ब. दिस इज रिपोर्टर और ये रिपोर्टिंग वर्ब. सेज, सेज इज द रिपोर्टिंग वर्ब. अब ये जो हो गया, ये सारा का सारा,
ये रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच मीन्स जो रिपोर्टर के द्वारा कहा गया वो रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है फ्रेंड्स, तब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, अभी मैं वो बताना शुरू करूंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले राम सेज आई एम रेडी, दिस इज ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होता है, इस बात को आप ध्यान रखना कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब यहां पर हम पास्ट में होगा, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, फिर किस तरह से हम चेंज करते हैं उसको, इसका टेंस किस तरह से चेंज करते हैं उसको हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो अभी ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसका ये चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। सिर्फ चेंज होगा तो क्या होगा, सिर्फ इसका ये चेंज होगा सब्जेक्ट। यहां पर किस तरह से इसको चेंज करना है वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। यहां पर आप देख रहे होंगे 123 यानी 123 और एसओ एंड सन, सन लिखा हुआ है। तो 1 के नीचे एस, 2 के नीचे ओ और 3 के नीचे एन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप इस फॉर्मूले को समझ जाएंगे फिर आपको जो यहाँ पे प्रोनाउंस चेंज करना होता है, जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस ये सब चेंज करना होता है, उसको आप चेंज करने में कभी गलती नहीं करेंगे, इसको आप समझ लें। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि ये फर्स्ट पर्सन, पहला मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो है, अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है ये सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा यहाँ पे सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन होता है, यहाँ पर आई के बदले अगर यू होगा तो फिर ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे मैं अभी लिख कर देता हूँ एक सेंटेंस, राम सेज टू मी आई एम रेडी। ठीक है फ्रेंड्स, राम सेज टू मी, तो यहाँ पर ये अगर सेकेंड पर्सन में होगा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो ये जो है, ये अगर सेकेंड पर्सन यहाँ पर आई के बदले यू होता तो ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, ये मी है, फिर इसके हिसाब से चेंज होगा। तो यहाँ पर राम सेज टू मी, तो यहाँ पर जो मी है ये ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है। अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन होता, सेकंड पर्सन जैसे यू होता, यू आर रेडी, राम सेज टू मी यू आर रेडी, फिर इसका ये जो चेंज होता इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से होता। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या, मी है, तो यहाँ पर यू आर रेडी है, तो फिर यहाँ पर आई एम रेडी हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जब हम बनाएंगे सेंटेंस तो आपको समझ में आता चला जाएगा। पहले इसको हम समझते हैं कि राम सेज आई एम रेडी, राम सेज आई एम रेडी, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट राम है तो राम के हिसाब से यहाँ पर चेंज होगा। तो इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनाएंगे, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे राम सेज। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम दैट लिखते हैं। इतना ध्यान रखना कि जो भी अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर असर्टिव सेंटेंस बंद है, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा इसको बोलते हैं, और इसके अंदर असर्टिव सेंटेंस मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस अगर है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाते वक्त दैट का इस्तेमाल हम यहाँ पर करते हैं, राम सेज दैट। अब यहाँ पर आई एम रेडी है तो दिस इज फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का राम है तो राम के हिसाब से चेंज होगा, तो राम का ही हो जाएगा, ही इज रेडी। ठीक है फ्रेंड्स, राम सेज दैट ही इज रेडी, दिस इज डायरेक्ट और दिस इज इनडायरेक्ट। ओके, अभी आप उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन दिया है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन अगर होगा तो नो चेंज,
अगर थर्ड पर्सन वहाँ पर होगा तो वहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। अभी ये जो डायरेक्ट स्पीच है इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं कि राम सेज, यहाँ पर सेज टू मी है, यहाँ पर जब भी ऐसा रहे सेज टू मी, सेज टू हिम, सेज टू देम ऐसा रहेगा, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो फिर सेज नहीं होगा, यहाँ पर सेज का टेल हो जाएगा। तो राम टेल्स मी, अब इन्वर्टेड कमा हटाएंगे हम, दैट राम टेल्स मी दैट आई एम रेडी। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट राम है तो यहाँ पर ही रहेगा, ही इज रेडी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर यू होता, यहाँ पर यू होता, यू यू आर रेडी, अगर यू आर रेडी होता वहां पर फिर इसका चेंज होता ऐसा, राम टेल्स मी दैट, अभी यू है तो यू किससे चेंज होगा, सेकंड पर्सन है ना, यू यू इज द सेकंड पर्सन, तो ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, मी है, मी तो मी का आई हो जाएगा, आई एम रेडी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप इस फॉर्मूला को, इस टेबल को आप अच्छी तरह से समझ लो, फिर आपको इसको चेंजिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप सिर्फ इस फॉर्मूला को एक बार याद रट्टा मार लो, 123 सन एस ओ एन, वन एस ओ, वन एस टू ओ एंड थ्री एन, मीन्स फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंजिंग। जैसे यहाँ पर नो चेंजिंग कैसे होगा, जैसे यहाँ पर होता राम सेज ही इज रेडी, राम सेज ही इज रेडी, या राम सेज दे आर रेडी, ठीक है, यहाँ पर ऐसा होता, फिर ही और दे थर्ड पर्सन हो गया तो थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग है तो यहाँ पर ऐसा ही हो जाता है कि राम सेज दैट दे आर रेडी, राम सेज दैट ही इज रेडी, वैसा का वैसा हो जाता, वहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होता। और टेंस में हम चेंज करते हैं, आपने सुना भी होगा कि जब रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस कब चेंज होता है, जब यहाँ पर पास्ट टेंस हो, जैसे राम सेड होता, राम सेड आई एम रेडी, तब यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। और वो टेंस कैसे चेंज होता है उसका मैं आपको पूरा टेबल लिख के दूंगा कि कौन सा टेंस होता है तो उसको किस में चेंज करते हैं, ये आपको टेबल लिख के दूंगा और आप याद कर लेना, उसको अच्छी तरह से समझ लेना, कोई भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझना है कि अगर ये पास्ट होगा, पास्ट यानी कि सेड, सेड की जगह पर सेड होगा तो यहाँ पर प्रेजेंट, जितने भी प्रेजेंट होंगे उसके पास्ट चेंज हो जाते हैं। बस इसमें आपको इतना समझना है कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे फ्यूचर भी रहेगा, जैसे राम विल शे, राम विल शे बोलता है तो फिर इसका टेंस नहीं चेंज होगा, या राम सेज, यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा में, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाते वक्त हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर ये जो आई है या यू, ही जो भी रहेगा यहाँ पर, उसको हम किस तरह से चेंज करते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया टेबल। इस टेबल को अगर आप समझ गए होंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे इसको चेंज करते वक्त। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि नरेशन क्या होता है, इसके दो भाग होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, और इसको किस तरह से हम चेंज करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हम बाद की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस तरह से चेंज होता है, उसका हम पूरा आपको टेबल लिख के दे देंगे, आप टेबल लिख के समझ जाना उसको, आप बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है, आप बस एक एक चीज़ सीखते जाओ, पूरा एक ही वीडियो हम नहीं पढ़ा सकते, बहुत लंबा वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं होता है, इतना लोग इंटेलिजेंट नहीं होते हैं कि पूरा आधे घंटा एक घंटा पढ़ाऊँ और उसको लोग सब याद रखे, ये हाँ जो शुरू से या पहले से ही जानते हैं थोड़ा बहुत कुछ उनको याद रह सकता है, बट सबके साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम एक एक करके पढ़ाएंगे, ओके फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा,
और फ्रेंड्स जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए आते हैं, हमारे वीडियो देखते हैं, अगर उनको वीडियो अच्छा लगता होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अलॉट एंड धन्यवाद।